आपका स्वागत है, मैं हूं विजय। अब एक नजर आज के हेडलाइन पर। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में 7 दिसंबर तक चलने वाला जिला क्रिकेट लीग का आरंभ शहर के गेट स्कूल के मैदान में हुआ। लीग का उद्घाटन जिलाधिकारी कमल तनुज ने क्रीज पर उतरकर लगातार 6 गेंदों को खेलकर किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। उद्घाटन के पश्चात खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि खेल को जीतने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं, फिर भी यदि हार गए तो नई ऊर्जा के साथ अगले मैच में अपने खेल को उत्कृष्टता प्रदान करें। गेट स्कूल मैदान के जीर्णोद्वार की चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यह मैदान विद्यालय का है और इसके लिए उनसे बात करके कुछ सार्थक पहल निकाली जा सकती है। मैदान के संदर्भ में मिले आश्वासन का लोगों ने तालियों से जोरदार स्वागत किया। वहीं अध्यक्ष रविंद्र कुमार रवि एवं सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस लीग मैच में कुल 8 टीमों ने भाग लिया है। देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होते हुए भी इस प्रकार का युवाओं में जोश है, इस प्रकार से खेल को जीवित रखे हैं औरंगाबाद में। और क्रिकेट ही नहीं, और भी कई स्पोर्ट्स में, चाहे कुश्ती हो चाहे बैडमिंटन हो, आप देखें तो औरंगाबाद के अंदर एक अजीब सी एक ऊर्जा है। और मैं समझता हूँ अगर इन लोगों को संसाधन मिलेगा तो ये ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक दिशा में केंद्रित होगी और क्या पता औरंगाबाद से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हम लोगों को मिले। नवीनगर प्रखंड के महुआव पंचायत को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। जिला पदाधिकारी कमल तनुज ने इसकी विधिवत घोषणा की। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी कमल तनुज, विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसे लेकर महुआव पंचायत के तेतरहट गांव में उत्सव का माहौल था। वहीं अतिथियों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कुरीतियों एवं रूढ़िवादी परंपरा को खत्म करते हुए अपने अपने घरों में शौचालय बनवाकर स्वच्छता का संदेश देने की जरूरत है और आज इस पंचायत ने यह संदेश देकर संकुचित मानसिकता में जी रहे लोगों को सीख देने का काम किया है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम होगी। डीएम ने कहा कि आज इस पंचायत ने खुले में शौच से मुक्त होकर स्वच्छता की नई इबारत लिखी है। डीएम ने महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर न होकर आत्मनिर्भर होने की सलाह दी और शिक्षित होकर संगठित होने की बात कही। उन्होंने मंच के माध्यम से शौचालय बनाकर घर की इज्जत को बचाने के साथ साथ स्वच्छता के प्रति एक नई क्रांति गांव में लाने पर भी जोर दिया। देखिए, महुआव हमारे जिले की 5वीं पंचायत है जो ODF डिक्लेयर्ड हुई है और इस महीने की ये हम लोगों की 4थी पंचायत है। पूरे 2 हफ्ते में 4थी पंचायत की ODF डिक्लेयर की है और नबीनगर की प्रथम पंचायत है। तो ये स्वच्छता की ओर हम लोगों का एक कदम है और अब आप जैसा कि देख रहे हैं बगल की पंचायतों में भी काम शुरू हो गया है। तो इसी पुश की हम लोगों को आवश्यकता थी और अब जिस प्रकार से मुहिम चली है, मुझे लगता है शीघ्र ही और पंचायतें भी ODF और सही मायनों में हम लोग स्वच्छ औरंगाबाद बना पाएंगे। यौन शोषण के आरोपित शिक्षक जयंत कुमार सिंह की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय ने वारंट निर्गत कर दिया है। गौरतलब है कि सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय करहरा में पदस्थापित सहायक शिक्षिका ने अपने ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह शिक्षक संघ के अध्यक्ष जयंत कुमार सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद जयंत कुमार सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। परंतु शिक्षक के पकड़ में नहीं आने के बाद जिले के SP डॉक्टर सत्य प्रकाश ने सख्ती अपनाते हुए महिला थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि अगर आरोपित शिक्षक पकड़ में नहीं आता है या न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करें। इधर इसकी जानकारी मिलते ही जयंत कुमार सिंह का पूरा परिवार सदमे में है।
इस पूरे मामले में जयंत कुमार के पिता नंद किशोर सिंह का कहना है कि मेरे बेटे पर शिक्षिका द्वारा लगाया गया सारा आरोप गलत है। शिक्षिका की क्रियाकलापों से पुलिस भी अवगत है तथा मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। उन्होंने एक पुराने मामले का पेपर दिखाते हुए बताया कि वह अपने पति को छोड़ चुकी है और मेरे बेटे के साथ रहना चाहती है, जो इस पेपर में पुलिस द्वारा जांच के बाद अंकित भी किया गया है, जिसका मेरे बेटे ने विरोध किया तो नतीजतन उसने यौन शोषण का आरोप लगा दिया। गलत लगाया गया है सहना, वो हमारा लड़का जो स्कूल में शिक्षक है और वहाँ हेडमास्टर है और वहाँ जो शिक्षिका के जो है सो वहाँ अनुशासन का लेकर के शिक्षिका जो है सो उस पर यौन शोषण का आरोप लगाई है सहना, लेकिन वो खुद बदचलन है, वो अपने पति से उसका केस चल रहा है। उसके पूर्व में भी वो एक जगह जहाँ पढ़ाती थी वहाँ भी उसका यही मामला था। इसके बाद उसको वहाँ से लोग हटा करके और अति किए समझना और उसको यहाँ लगाए, और वो जो है सो वो पुलिस भी उससे पूरी अवगत है, उसका आचरण से पुलिस पूरी तरह से अवगत है कि उसका आचरण क्या है। पुलिस में भी ये मामला है ना, और वो जो है सो यौन शोषण का ठेस लगा करके और हमारे परिवार को और जयंत को वैसे वो काफ़ी ठेस पहुँचा रहे हैं है ना, इससे हम लोग पूरा सदमे में हैं है ना। 18 तारीख को 18 नवंबर को इश्तिहार तामील किया गया है और माननीय न्यायालय से कुर्की प्राप्त करके कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। यदि प्राथमिकी अभियुक्त हाजिर नहीं होते हैं तो कुर्की की कार्रवाई होगी। छात्र युवा जन संवाद सह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में शामिल होने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव औरंगाबाद पहुंचे, जिन्हें देखने व उनके साथ सेल्फी लेने के लिए छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा। गौरतलब है कि औरंगाबाद सिन्हा कॉलेज में छात्र राजद के द्वारा 12 नवंबर को एक जिला स्तरीय प्रतिभा खोज समान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण करने के लिए टाउन इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप एवं युवा छात्र के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव पहुंचे। मंच पर खुद को बैठने के लिए राजसी कुर्सी को देखते ही भड़क गए और कहते हुए कि मैं कोई राजा का बेटा नहीं हूं, वहां से कुर्सी को हटवा दिया। जहां वे इस कार्यक्रम में पूरे मस्ती के मूड में दिखे, वहीं अपने पिता लालू प्रसाद यादव के अंदाज में विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा। पटना से चलकर औरंगाबाद आने के क्रम में दाऊदनगर स्थित उर्मिला गैस एजेंसी पर राजद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम सभा में जहां तेज प्रताप ने छात्रों के उत्थान के लिए बाल विंग गठन करने की बात कही, वहीं वीडियो कॉलिंग के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सभा को संबोधित करते हुए छात्रों का मनोबल भी बढ़ाया। सभा संबोधन करने के बाद तेज प्रताप ने प्रतियोगिता में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं के बीच साइकिल, LED TV और मोबाइल का वितरण किया। इस मौके पर राजद छात्र संगठन के अलावा अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। हम यही मंच के माध्यम से आज यहाँ जहाँ मेरा सभा होता है, पूरा बिहार में हम सोने वाले नहीं है, जब तक ये लोग राज को चीर नहीं देंगे तब तक सोएंगे नहीं, न बताएंगे। इसलिए उसे चीरना हमको, जो सोवत है वो पोवत है, जो जागत है वो पावत है। महारानी लक्ष्मीबाई के जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा संगठन के द्वारा शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व संगठन प्रमुख आशिका सिंह, नगर छात्रा प्रमुख मनीषा एवं रानी ने किया। दानी बीघा पार्क से निकली यह शौर्य यात्रा मुख्य बाजार होते हुए नगर थाना के नजदीक स्थित सरस्वती शिशु मंदिर पहुंची, जहां नारियों के सम्मान एवं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संकल्प लिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महिला विंग के द्वारा निकाली गई इस शौर्य यात्रा का स्वागत रमेश चौक पर पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष रामानुज पांडे के द्वारा पुष्प वर्षा कर की गई। इस दौरान सबों ने शौर्य यात्रा की अगुवाई कर रही छात्राओं को तलवार देकर सम्मानित किया।
शोभा यात्रा में शामिल 500 छात्राओं ने सर पर भगवा पगड़ी बांध हाथ में तलवार लेकर रानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप प्रदर्शित किया, जहां पूरा शहर रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे नारी शक्ति जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। वहीं यात्रा के क्रम में छात्राओं ने पूरे जोश व उत्साह के साथ शहर को रानी लक्ष्मीबाई के संदेशों से अवगत कराया। रानी लक्ष्मी जयंती के अवसर पे हम लोग सैकड़ों हजारों छात्राओं ने एक शौर्य यात्रा निकाला है। ये हमारे समाज में हो रहे महापुरुषों का जयंती मनाया जाता है। हम लोग समाज में, स्कूल में, कॉलेजों में, हर जगह हमेशा हम लोग को पढ़ाते आया गया है, सुनाते आया गया है कि महापुरुषों की जयंती हम लोग प्रति महीने मनाते हैं, लेकिन हमारी महारानी वीरांगनाओं का एक भी जयंती नहीं मनाया जाता है। जबकि भारत की आज़ादी में जितनी भूमिका महापुरुषों की थी, उतनी ही भूमिका हमारी महारानी वीरांगनाओं की भी थी। तो फिर हमारी महारानी वीरांगनाओं का बलिदान ऐसे व्यर्थ हम लोग नहीं जाने देंगे। हम नारी शक्तियों ने सैकड़ों हजारों के संख्या में हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि वर्तमान में जो गलत मानसिकता नारियों के प्रति जैसे जैसे बढ़ रही है, उस चीज को हमें तोड़ करके, चीर करके बाहर निकलना है। घर से बाहर निकल करके हम लोग नारी शक्ति का परिचय देंगे और रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को यूं व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी नगर कमेटी का गठन संयोजक अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने बताया कि शहर के दर्जनों वार्ड पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं वार्ड पार्षदों ने कहा कि रामाधार जी के नेतृत्व में हम सभी लोग संगठन को मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है उसे पूरा करेंगे। इस अवसर पर पूर्व वार्ड पार्षद सतीश कुमार सिंह, ओम प्रकाश सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के पूरा पदाधिकारी की कमेटी बनाई गई है, जिसके हमारे अनिल गुप्ता जी अध्यक्ष बने हैं। इनके साथ 20 का टीम है, जिसमें 6 उपाध्यक्ष हैं, 6 मंत्री हैं, 2 महामंत्री हैं, कोषा अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता है, और उसी का आज घोषणा करने के लिए यहाँ आज बैठक। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।